दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन में मौजूद थोड़ी सी दवाई बाहर निकाल देते हैं, और ऐसा वो इंजेक्शन में मौजूद हवा या फिर एयर बबल को बाहर निकालने के लिए करते हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि अगर इंजेक्शन लगाने के दौरान ये एयर बबल चला जाए तो इससे क्या होगा? क्योंकि कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अगर ये एयर बबल एक इंसान के अंदर चली जाए तो इससे उसकी जान भी जा सकती है। और ऐसे कंडीशन में इस एयर बबल का क्या इलाज होता है, इस विषय पर भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। इंजेक्शन तो कभी न कभी आपको जरूर लगा होगा या फिर किसी रिलेटिव को इंजेक्शन लगते हुए देखा होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर थोड़ी सी दवाई बाहर निकाल देते हैं, और ऐसा वो सिरिंज से एयर बबल्स को बाहर निकालने के लिए करते हैं। लेकिन क्या ये एयर बबल किसी इंसान में चली जाए तो क्या किसी इंसान की जान इसकी वजह से जा सकती है कि नहीं, इसको बताने के लिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इसके लिए मान लें कि एक पाइप है जिसमें पानी निकलता है, लेकिन अगर इसमें एक छोटा सा पत्थर चला जाए तो इस पत्थर की वजह से पानी के मूवमेंट में रुकावट पैदा हो सकती है। लेकिन अगर ये पत्थर काफी छोटा है तो पानी किनारा करके अपना रास्ता बना लेगी, लेकिन अगर इस पत्थर का साइज पाइप की होल्स के बराबर है तो ये पानी के फ्लो में रुकावट भी पैदा कर सकती है। और एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि पत्थर पाइप में पानी के फ्लो को पूरी तरीके से बंद कर दे, और ऐसा ही कुछ एयर बबल की वजह से हमारे नसों में भी हो सकता है। और इस प्रोसेस को मेडिकल टर्म में एयर एम्बोलिज्म कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो नसों के रास्ते होता है, और अगर इस रास्ते में कोई एयर बबल आ जाएगा तो ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पाती है। अगर किसी को इंजेक्शन लगाया जाता है और एयर बबल की साइज छोटी होती है तो किसी भी तरह की परेशानी की संभावना काफी कम होती है। लेकिन अगर ये एयर बबल काफी बड़ा है और इंजेक्शन में काफी ज्यादा मात्रा में हवा रह जाए तो इस वजह से परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये एयर बबल दिमाग के रास्ते में आ जाए तो ब्लड के फ्लो में रुकावट पैदा हो सकती है, और ये हमारे ब्रेन्स में ब्लड के फ्लो को भी रोक सकती है। और इसी तरह से अगर ये एयर बबल हमारे दिल तक पहुंच जाए तो ये वहां जाकर फट भी सकती है, और इसकी वजह से एक व्यक्ति की जान तक जा सकती है। हालांकि इस प्रकार की समस्या तब पाई जाती है जब एक या अधिक एयर बबल्स वेंस या फिर आर्टरीज में प्रवेश कर जाते हैं। जब एयर बबल्स हमारे वेंस में प्रवेश कर जाते हैं तो इसे वीनस एयर एम्बोलिज्म कहा जाता है, और जब ये एयर बबल्स आर्टरीज में प्रवेश कर जाते हैं तो इसे आर्टेरियल एयर एम्बोलिज्म कहा जाता है। और ये एयर बबल्स आपके ब्रेन, हार्ट, फेफड़ों में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स या फिर सांस संबंधी बीमारियां भी पैदा हो सकती है। लेकिन आइए अब हम जान लेते हैं कि अगर किसी इंसान में एयर बबल्स बन जाए तो इसका इलाज कैसे किया जाता है। एयर एम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट के लिए बीमारी के कारणों का पता लगाया जाता है, और ये कोशिश की जाती है कि इन कारणों को पूरी तरीके से रोका जा सके, और इसे रोकने के लिए डॉक्टर सिटिंग पोजीशन में भी बदलाव कर सकते हैं, साथ ही कुछ दवाई जैसे कि एड्रेनालाइन खाने की सलाह दे सकते हैं। और अगर ये एयर एम्बोलिज्म काफी क्रॉनिक हो तो डॉक्टर सर्जरी के माध्यम से भी एयर एम्बोलिज्म को हटा सकते हैं। हालांकि अन्य उपचार के विकल्प में कुछ पेशेंट्स में हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एयर एम्बोलिज्म के बारे में प्रॉपर और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इस टॉपिक पे आपके मन में कोई और सवाल है तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।